दो मैच दो मुकाबले तय करेंगे सेमीफाइनल की तस्वीर। नेपाल के लिए मुकाबला सिर्फ रस्मदायगी का होगा तो हांगकांग के लिए करो या मरो का। एक छोटी सी गलती हांगकांग को कर सकती है एसीसी कप की लड़ाई से बाहर। हांगकांग की जीत हार तय करेगी नेपाल का सेमीफाइनल में मुकाबला किससे होगा। एक दिन दो बड़े मैच, एक निर्णायक तो एक सिर्फ प्रैक्टिस मैच, लेकिन हर किसी की निगाहें इन दोनों मुकाबलों पर टिकी होंगी। नेपाल के टीयू क्रिकेट ग्राउंड में नेपाल और कतर के बीच मुकाबला होगा। ये लीग मैचों का आखिरी मुकाबला होगा। कतर अपने तीन में से तीन मुकाबले पहले ही हार चुका है। ऐसे में अगर वो ये मुकाबला जीत भी जाए तो अंक तालिका में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा। सिर्फ कतर को हरा कर नेपाल अंक तालिका में नंबर वन हो जाएगा और ओमान नंबर दो। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि नेपाल का मुकाबला यूएई से होगा या फिर हांगकांग से या फिर कुवैत से। इसके पीछे की वजह यह है कि भले ही नेपाल सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया हो, लेकिन हांगकांग के साथ स्थिति डावाडोल है, क्योंकि हांगकांग का मुकाबला कुवैत से होना है और कुवैत अपने तीन में से दो मुकाबले जीत चुका है, जबकि एक मुकाबला वो हार गया है। वहीं हांगकांग की स्थिति ऐसी है कि वो तीन में से दो मुकाबले जीत चुका है, जबकि एक मुकाबला टाई हो चुका है। ऐसे में उसके पांच अंक हैं और कुवैत के चार अंक। दोनों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यूएई चार में से तीन मैच जीतकर पहले सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब अगर कुवैत हांगकांग को हरा देता है तो कुवैत के पास छह अंक हो जाएंगे। ऐसे में कुवैत सेमीफाइनल पहुंच जाएगा, लेकिन अगर कुवैत इस आखिरी लीग मैच में हार जाता है तो हांगकांग के सात अंक हो जाएंगे। ऐसे में हांगकांग ग्रुप बी में नंबर वन पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इस तरह ग्रुप ए में नेपाल और ग्रुप बी में हांगकांग नंबर वन हो जाएंगे। ऐसे में मुकाबला नेपाल बनाम यूएई का होगा और हांगकांग का मुकाबला ओमान के साथ होगा। लेकिन अगर हांगकांग ये मुकाबला हार जाता है तो कुवैत छह अंकों के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में कुवैत और यूएई दोनों के पास छह अंक होंगे। ऐसे में जिसका रन रेट ज्यादा अच्छा होगा वो पहली पोजीशन पर होगा और जिसका कम अच्छा होगा वो दूसरी पोजीशन पे होगा। इसका मतलब साफ है कि नेपाल का मुकाबला यूएई और हांगकांग में से किसी से भी हो सकता है। ऐसे में मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले हांगकांग वर्सेस कुवैत के बीच मुकाबले पर नेपाल की नजर भी टिकी है। एक तरफ नेपाल नॉकआउट राउंड में जाने से पहले कतर के साथ मुकाबले को अपने उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए इस्तेमाल करेगा जिन्हें अभी तक ज्यादा मैचों में मौका नहीं मिला। ऐसे में कोच मोंटी देसाई ने सिर्फ नेपाल के उन तमाम बल्लेबाजों को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर उतारने का फैसला किया है जिन्हें भरपूर मैच प्रैक्टिस नहीं मिली है। इसके साथ ही गेंदबाजों के पास भी सीखने के लिए कतर से मुकाबला बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि उसके बाद मुकाबले सिर्फ नॉकआउट है। एक छोटी सी गलती और आप मुकाबले से बाहर। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।